नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा, आज मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूं हस्तरेखा के द्वारा और जन्म कुंडली के द्वारा वह सटीक सूत्र जिनसे आप जान सके कि आप विदेश अगर नहीं जाएंगे तो आपके जीवन के अंदर उतनी सफलता आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जितनी कि आप चाहते हैं। तो हस्तरेखा में और जन्म कुंडली में कौन से वो सटीक सूत्र हैं जिनके द्वारा आप स्वयं देखकर जान सकें कि मैं विदेश जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। उसके लिए यदि हम हस्तरेखा की बात करते हैं तो हस्तरेखा में भी और जन्म कुंडली में भी एक गहन अवगाहन की जरूरत होती है और उससे हम सटीक समय भी जान जाते हैं। तो अभी मैं समय ना बताते हुए केवल आपको ये बता रहा हूं कि ये अगर 5 सटीक सूत्र आपके हाथ के अंदर हैं तो आप विदेश से जुड़ेंगे, तभी जाकर आपके जीवन में आपको अपने जीवन की सफलताएं प्राप्त होंगी। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्र पर्वत का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जाना जाता है। किसी भी हाथ के अंदर जो चंद्र पर्वत है वह तय करेगा कि व्यक्ति विदेशों से जुड़कर के लाभ प्राप्त करेगा या नहीं। आपके हाथ के अंदर यदि चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध यहां से इस प्रकार से होते हुए और यदि आपकी भाग्य रेखा से संबंध बनाए या आपके शुक्र पर्वत के अंदर प्रवेश करे, प्रवेश कर गया तो मतलब है कि व्यक्ति ज्यादा दिन ज्यादा समय तक टिकेगा। और यदि ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ रेखा आपकी भाग्य रेखा से भी यदि संबंध बना रही है तो भी ये एक सूत्र हो गया कि व्यक्ति दूर स्थान से या विदेश से जुड़ करके धन प्राप्त करेगा। एक सूत्र। दूसरा सूत्र है क्षेत्र वही है, यानी चंद्र क्षेत्र का इन्वॉल्वमेंट मैं आपके साथ में बोल रहा हूं। बुध पर्वत जाना जाता है व्यापार का कारक। बुध के बिना अगर बुध व्यक्ति का अच्छा नहीं है तो व्यापारिक सफलताएं प्राप्त नहीं करता। परंतु व्यापार होना एक अलग बात है, देश में होना विदेश में होना अलग बात है। और विदेश से जुड़ने के लिए यदि आपके चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल करके और बुध पर्वत के साथ संबंध बनाती है तो ये दूसरा सूत्र हो गया कि व्यक्ति विदेश से जुड़ करके धन कमाएगा। तो ये दूसरा एक तरह से विदेश से जुड़ करके व्यापार से लाभ की बात है। तीसरा सूत्र है इस रेखा का कि यदि ये ही रेखा आपकी भाग्य रेखा का यदि उदय, अगर आपकी भाग्य रेखा का उदय और चंद्र पर्वत से है और शनि पर्व के साथ संबंध है और साथ ही साथ यदि सूर्य से हो जाए तो ये और जल्दी सोने में सुहागा है। यहां पर अगर इसका चंद्र पर्वत से निकल करके और यदि यहां संबंध शनि पर्वत से है तो यह भी व्यक्ति का विदेश से जुड़ करके धन कमाने का योग जाना जाता है। चौथा सूत्र है आपकी बुद्धि रेखा। आपने देखा कि आपकी बुद्धि रेखा जाती है और जाकर के कोई यहां तक जाती है, कोई यहां तक जाती है, कोई नीचे गिर जाती है। परंतु यदि आपकी बुद्ध रेखा पूरे हाथ को पार कर गई, अगर पूरे हाथ को पार कर गई है तो यह भी एक प्रकार का यही सूचक है कि व्यक्ति यदि मंगल से संबंध बनाती है रेखा, नौकरी के माध्यम से विदेश से जुड़ेगा और लाभ कमाएगा। अगर मंगल से संबंध बना रही है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पुलिस मिलिट्री से संबंधित हो सकता है। और तीसरा यहां चंद्र पर्वत से संबंध है तो यह भी एक विदेश से। तो कुल मिलाकर मैं बता रहा हूं लगातार कि बस विदेश के जानने के लिए कौन से क्षेत्र से, ये अलग सब्जेक्ट है। और मैं गहनता से जानने के बाद ये भी बता देता हूं कि कौन से वर्ष में आप जाएंगे। अभी तो ये संबंध चौथा संबंध हुआ बुद्धि रेखा का चंद्र पर्वत से संबंध। एक अन्य संबंध भी बताता हूं आपको
और वह संबंध है आपके हाथ के अंदर यहां पर सूर्य रेखा देखी होंगी आपने। सूर्य रेखा ना भी हो, शनि रेखा ना भी हो, तर व्यक्ति के यदि सूर्य पर से कोई शाखा निकलकर शनि पर से निकलकर और बृहस्पति तक जाती है तो यह भी विदेश से जुड़ करके धन लाभ या विदेश से जुड़कर व्यापार या विदेश से जुड़कर के अपने जीवन की उन्नति तरक्की आप जान सकते हैं। मैं एपिसोड में आपको हस्तरेखा से बात बताई मैंने, अभी मेरे विद्वान पुत्र पंडित आशीष शर्मा जी जिनका PKJS एस्ट्रोलॉजी के नाम से एक चैनल भी है, वह आपको बताएंगे कि जन्म पत्री से कैसे आप जान सकें कि आप विदेश से जुड़ करके धन कमाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम। आइए हस्तरेखा के बाद अब देखते हैं कुंडली के अंदर ऐसे कौन से योग मौजूद होते हैं जिनके कारण व्यक्ति अपने जन्म स्थान से तो दूर जाता ही है, और यदि जो योग हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी कुंडली के अंदर बहुत हद तक अप्लाई हो रहे हैं तो आप विदेश में लंबे समय तक काम करते हैं, चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, और कभी कभी लोग बाग वहां परमानेंट रेजिडेंस भी लेकर रहते हैं। वही विदेश योग को देखेंगे हम कुंडली के कुछ मुख्य सूत्रों से। देखिए उसमें सबसे पहला मुख्य सूत्र क्या है, जन्म कुंडली का लग्नेश। लग्नेश कुंडली का यानी आपका लग्न जो भी है उसका मालिक यानी उसका स्वामी वह लग्नेश कहलाता है। लग्नेश कुंडली के अंदर आपकी बॉडी, आपके शरीर, आपका तनु इन सबको दर्शाता है। इसका मालिक अगर कुंडली के 12वें घर में बैठा है तो 12वां घर होता है विदेश का। बहुत सारी कुंडलियों में यह योग देखा गया है, शास्त्र में लिखा गया है लग्नेश 12वें घर में बैठा हो तो विदेश गमन होता है, व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाता है। 12वें घर का मालिक लग्न में बैठा हो यानी लग्न और 12वें का राशि परिवर्तन योग हो तो व्यक्ति निश्चित विदेश या घर से दूर जाता है। वही लग्न का मालिक 6ठे घर में बैठा हो, क्योंकि 6ठे से भी बैठ के 12वें घर के ऊपर दृष्टि होती है, तो भी ऐसे लोग अपने जीवन में घर से बहुत दूर या विदेश यात्राएं करते हैं। तो ये था पहला नियम के भी लग्नेश का राशि परिवर्तन हो, 6ठे में हो या 12वें में हो, घर से दूर या विदेश में जाता है। दूसरा, कुंडली का चौथा भाव सुख स्थान कहलाता है, घर का सुख कहलाता है। घर का जहां पर आप पैदा हुए, अगर आपके चौथे घर का मालिक द्वादश में जाएगा तो घर का सुख पीड़ित होगा, आपको घर जन्म स्थान छोड़ने पर कर देगा मजबूर कि मुझे घर का सुख नहीं मिलता। यानी इसको ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जन्म स्थान पर कभी फलीभूत ही नहीं होते, इनको घर का मोह छोड़ना होगा, दूर स्थान से जुड़ना होगा। इसको कहते हैं विदेश गमन योग, कि आप या तो जन्म स्थान से दूर जाएंगे या आप विदेश में जाके काम करेंगे, क्योंकि घर का सुख छिन गया फिर जाएंगे बाहर, विदेश में जाके काम करेंगे। वहीं 12वें का और 4थे घर का मालिक का राशि परिवर्तन हो तो इस योग में और अधिक बढ़ावा दे देता है। 4थे घर का मालिक 6ठे में बैठेगा और द्वादश को देखेगा, इसका मतलब घर का सुख छिना और द्वादश भाव पर दृष्टि, ये योग भी विदेश योग के लिए ही जाना जाता है। तीसरा, इसमें देखते हैं भाग्य स्थान का स्वामी, कि मेरा भाग्य कहां से जागृत हो रहा है। अगर भाग्य स्थान का मालिक बैठा हुआ है द्वादश भाव में, भैया भाग्य बनाने के लिए घर से दूर जाना ही पड़ेगा, भाग्य बनाने के लिए यात्राएं करनी ही पड़ेगी, जन्म स्थान से दूर जाकर भाग्य बनाने का योग, या भाग्य बनाने के लिए हम विदेश चले गए, विदेश से जुड़कर काम कर लिया, विदेश में जाके लंबे समय तक रहे, तो भी यही कॉम्बिनेशन होता है कि द्वादशेश और नवमेश का भी अगर राशि परिवर्तन हो, कि 12वें के मालिक और 9वें के मालिक राशि परिवर्तन करें तो भी आपको विदेश में जाने का मौका मिलता है, विदेश से काम करने का मौका मिलता है। दशम भाव कर्म स्थान, कि मेरा कर्म कहां पर फलीभूत हो रहा है। अगर कर्म का मालिक 12वें घर में बैठा यानी 10वें भाव का मालिक 12वें घर में बैठा है तो आप बाहर से जाके कर्म करेंगे, घर से दूर जाकर कर्म करेंगे, विदेश में जाकर कर्म करेंगे, चाहे वो नौकरी करें चाहे आप व्यापार करें। वहीं बहुत हॉरोस्कोप्स में देखा है कि द्वादशेश और दशमेश का राशि परिवर्तन योग भी इसी कॉम्बिनेशंस में आता है। इसके अलावा दशम का मालिक अगर 6ठे घर में हो तो भी बैठ के द्वादश को देखता है,
इसका मतलब ये कि व्यक्ति कर्म करने के लिए घर से दूर जाता है, विदेश में जाकर काम करता है। यानी सबसे ज्यादा जरूरी भाव द्वादश भाव है। आपका लग्नेश द्वादश से कनेक्शन बनाए, आपका चतुर्थेश द्वादश से कनेक्शन बनाए, आपका नवमेश द्वादश से कनेक्शन बनाए, दशमेश कनेक्शन बनाए। ये वो सारे कॉम्बिनेशन है कि ये लगन यानी आप स्वयं, ये आपका घर का सुख यानी परिवार का सुख, घर का सुख खत्म हो गया। भाग्य बनाने के लिए आप विदेश गए, कर्म करने के लिए आप विदेश गए। कुछ कुछ योगों में देखा जाता है कि व्यक्ति पंचम का मालिक द्वादश से कनेक्शन बनाए तो पढ़ाई के लिए विदेश जाते हो, लेकिन इसमें ये गारंटी नहीं है कि आप वहीं जाकर रह जाते हो। जितने ज्यादा योग कुंडली में होंगे उतना ज्यादा आप विदेश में रहेंगे। यदि एक योग फलित होता है तो कुछ समय के लिए, दो होता है उससे ज्यादा, और जिनकी कुंडलियों में ये चारों कॉम्बिनेशन है वो लंबे समय तक विदेश में जाते हैं, पढ़ते हैं, व्यवसाय करते हैं, परमानेंटली रेजिडेंस वहीं हो जाता है। तो ये थे वो कुछ मुख्य सूत्र जो कुंडलियों में उठा के देख लो। अगर आपके घर परिवार के लोगों में ऐसी कुंडलियों में योग है तो समझ लीजिएगा आपके घर परिवार के लोग या बच्चे या आने वाली संतान विदेश जाएगी और काम करेगी। तो ये था हमारा आज का विषय कि हस्तरेखा से और कुंडली से कैसे पहचाने कि हम विदेश जाएंगे। और आप देख लेना जो भी लोग विदेश में हैं या घर से दूर हैं उनके हाथ और उनकी कुंडलियों में अवश्य ही ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसी तरीके की रोचक जानकारी हम आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। जय श्री राम।